पटना से सटे दुल्हिन बाजार प्रखंड के एक विद्यालय में उस समय चोरी की वारदात हो गई जब शिक्षक उसी विद्यालय में सो रहे थे। वहीं विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर की वीडियो कैद हो गई। बताया जाता है कि दुल्हिन बाजार के नरही पीढ़ी पंचायत के दिहुली जगदेव प्रसाद उच्च विद्यालय में शिक्षक सरोज कुमार कॉपी जाँच को लेकर रात को विद्यालय में ही रुक गए थे। इधर रात 2 बजे के करीब चोरों ने उनके सोने के बाद विद्यालय का लैपटॉप मॉनिटर प्रिंटर और शिक्षक का मोबाइल पर्स समेत कई सामान चोरी कर फरार हो गए। वहीं चोरी के वारदात के समय विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर की वीडियो कैद हो गई। वहीं इस मामले को लेकर शिक्षक सरोज कुमार ने दुल्हिन बाजार थाना में चोरी का मामला दर्ज कराया, जहाँ दुल्हिन बाजार थाना की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और ग्रामीणों के सहयोग से एक चोर को चोरी की सामान के साथ धर दबोचा है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय के आसपास स्मैकरों व असामाजिक लोगों का जमावड़ा हमेशा लगा रहता है, जिससे शाम ढलते इनका प्रकोप बढ़ जाता है। स्कूल में रात्रि में चोरी हुआ है, आती हुई स्कूल में थे हम, काफी जाँच करने के लिए से हम काफी जांच नहीं कर पा रहे थे। मंथली काफी वैसे काफी जांच कर रहे थे। 12:30 बजे तक मैंने काफी जांच किया। उसके बाद फिर हम पत्थर उत्थर कुछ फेंका, हमको लगा क्या कुछ भूत उत है, तो इस कारण से फिर हम सारा लाइट ऑन कर दिए। फिर हम उसी जगह कुर्सी चेयर अति पे ही टेबल पे ही हम ये हो गया लेट गए। लेटने के बाद पता उसके बाद जब जगह 4:30 बजे देखते हैं कि सारा चीज हाँ क्या क्या चोरी हुआ। ये मोबाइल मेरा नहीं था, प्रिंटर नहीं था, लैपटॉप नहीं था, हाँ उसके बाद मेरा घर ही नहीं था, मेरा पैंट था, पैंट में पैसा था वही रखा हुआ था सोफा पे, वो नहीं था, घर ही नहीं था, ये सब चीज और जो बड़ा वाला बैग था वो सब सारा ले लिए और सारा चीज वगैरह वगैरह। अब देखने के बाद क्या थाने में आवेदन दिए है? अभी नहीं दिया है, देंगे। क्या नाम हुआ आपका? सरोज कुमार। स्कूल में क्या है? ये हम टीचर थे और हम वही काफी मूल्यांकन के दृष्टि से आज रात रुक गए थे हम काफी जांच करने के लिए।